हाय फ्रेंड, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल और सभी का आशु भरदवाज विजार्ड एडवाइजर चैनल में स्वागत है। और आज आप लोगों के साथ एक बात जो थी साझा करनी थी, जो सभी को डर रहता है, यार हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया, पता नहीं अब वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे यूक्रेन ने रिफ्यूज कर दिया, रशिया वीजा देगा नहीं देगा, मुझे फ्रांस ने रिफ्यूज कर दिया, पता नहीं नीदरलैंड वीजा देगा नहीं देगा। तो वही चीज आप लोगों का आज डर डाउट जो है वो दिमाग से निकालने आया हूं। सो आज डेट है 3/3/2022। यूरोप के थोड़े से हालात खराब हैं, लाइक ये रशिया यूक्रेन के बार को लेके, बट बाकी सब कुछ ठीक है। न्यूज चैनलों पे थोड़ा नजर कम करें और आगे हम बात करते हैं। जो मेरा मेन फोकस है एजुकेशन पर्पस के लिए, जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए ली है या बनाई है, बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो वो ये है कि मैंने नीदरलैंड की फाइल डिपॉजिट की थी। नीदरलैंड की फाइल मैंने डिपॉजिट की थी 3 फरवरी को, लेकिन उन्होंने मुझे 16 तारीख को, 16 फरवरी को जो है वो रिफ्यूजल दिया, यानी 17 तारीख को मुझे वो पासपोर्ट मिला जिसमें रिफ्यूजल लेटर था। मेरा वीजा खुद का रिफ्यूज था। इस बात को मैं खुद थोड़ा सा शॉक्ड था कि यार कैसे, लेकिन मैंने कभी भी कहीं भी फाइल डिपॉजिट की है तो मैंने हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है फाइल डिपॉजिट की है कि मेरी जब फाइल लगती है वो एक फ्रेश एम्बेसी में जाती है, फ्रेश एम्बेसडर के पास होती है और वो न्यू सिरे से देखता है फाइल को। हाँ ठीक है, कोई प्लस पॉइंट होते हैं ट्रैवलिंग के, मैं हंगरी ट्रैवल हूं हंगरी वीजा के ऊपर, मैं फ्रांस वीजा के ऊपर ट्रैवल हूं, मैं चेक रिपब्लिक वीजा के ऊपर ट्रैवल हूं, बाकी ऑल ओवर रशियन एशियन कंट्रीज मैंने ट्रैवल की हुई है। आफ्टर दैट मुझे नीदरलैंड ने रिफ्यूजल दे दिया, लेकिन थोड़ा सा शॉक्ड हुआ लेकिन परेशान नहीं हुआ। 16 तारीख को मुझे जो है पासपोर्ट मिला है, 17 तारीख को मैंने 18 तारीख को वीजा फाइल भरी दोबारा से और एक अलग कंट्री में डिपॉजिट करवा दी। जो वीजा मुझे अब मिल चुका है, जो रिफ्यूजल लगी थी वो लगी थी मेरी 16 तारीख को, लेकिन मैंने 17 तारीख को फिर से फाइल डिपॉजिट करवाई, यानी 21 तारीख को मेरी फाइल डिपॉजिट हुई और ये वीजा जो है मुझे फाइनली दोबारा मिला है। एक महीने का मल्टीपल वीजा है। ये कैसे मिला है, सबसे बड़ी बात है, आपका वीजा रिफ्यूज होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम हो, आपका पासपोर्ट बैन है या आपको एंट्री बैन कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चंद डॉक्यूमेंटों में कमी हो सकती है या लगता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वीजा एम्बेसडर या कौंसलर जो है वो वीजा नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं देता है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप दोबारा से दूसरी कंट्री अपना वीजा अपडेट करवाइए, डिपॉजिट करवाइए फाइल को, वहां पे नई कंट्री होगी, नए एम्बेसडर बैठे होंगे, वो नए सिरे से नए तरीके से आपकी फाइल को प्रोसीड करेंगे। अगर उनको भी लगता है थोड़ा बहुत तो वो भी आपके वीजा को रिफ्यूज कर सकते हैं, उनके पास राइट है क्योंकि उनका घर है, उनकी कंट्री है, वो अगर आपको एंट्री देते हैं तो भी वेल एंड गुड, नहीं देते तो भी वेल एंड गुड, वो उनकी डिसीजन है। सो इस वीजा में जो मेरे पेपर लगे थे, देखिए रिफ्यूज हुआ, घबराया नहीं, और उसके बाद भी मैंने एक अपॉइंटमेंट और उठा के रखी हुई थी एक्स्ट्रा कि अगर मुझे ये कंट्री भी रिफ्यूज करती है तो मैं दूसरी तीसरी कंट्री में अपडेट कर दूंगा। मैंने उसके बाद भी एक अपॉइंटमेंट उठा के रखी हुई थी, यानी 4 अपॉइंटमेंटें मैंने ली थी। 3 फरवरी की मेरी नीदरलैंड की थी, 22 फरवरी वहां की थी जहां से मुझे ये वीजा मिला है, कंट्री बताऊंगा लेकिन बाद में। उसके बाद मेरी चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट थी मार्च महीने की, फिर उसके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट और थी, मतलब मैंने अपने आप को इस तरह से रखा हुआ था क्योंकि मुझे मेरी फाइल के ऊपर भरोसा था। अब बात करता हूं मैं पेपरों की, पेपर कौन कौन से लगे थे। पहली बात वीजा फॉर्म लगा था, आइटनरी लगी थी, कवरिंग लेटर लगा था, ट्रैवल इंश्योरेंस लगी थी, ओके जी, होटल बुकिंग लगी थी, होटल बुकिंग मैंने लगाई थी, उसके बाद मेरा पासपोर्ट लगा था, पैन कार्ड लगा था, आधार कार्ड लगा था, मेरा आईटीआर लगे थे, कंपटीशन चार्ट लगे थे, बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट थी, 3 महीनों की करंट बैंक स्टेटमेंट थी, करंट अकाउंट की, उसके साथ मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट में आधार उद्यम था, सिर्फ आधार उद्यम, विजिटिंग कार्ड और मेरा लेटर हेड जो बिजनेस का है वो था। अब बात करता हूं इससे एक्स्ट्रा ज्यादा डॉक्यूमेंटों की, उसमें मैंने अपनी वाइफ की 3 साल की आईटीआर लगाई थी विदाउट कंपटीशन, जस्ट आईटीआर, ठीक है, और एक मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था, वाइफ के पासपोर्ट की कॉपी लगाई हुई थी और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई हुई थी। इसके अलावा मैंने किसी भी तरह से सीए रिपोर्ट नहीं लगाई,
कोई भी वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लगाई, किसी भी तरह से कोई वाइफ की एनओसी नहीं लगाई, किसी भी तरह से कोई पापा की तरफ से कि ये बेटा मेरा है और ये घूमने जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी जिनके नाम पे नहीं होती है वो नहीं लगाया। मतलब मेरा जो खर्चा आया है वो जस्ट एम्बेसी फीस आई है 10,400 कुछ रुपए इंक्लूडिंग बीएफएस चार्ज, बस इससे ज्यादा मेरा कोई खर्चा नहीं आया। क्योंकि जो वीजा पेपर थे फॉर्म थे वो मैंने खुद अपने तैयार किए, खुद प्रिंट किए, खुद ही मतलब पेपर लिए हुए थे मेरे पास पड़े थे, तो मुझे खर्चा किस चीज का आया। यानी जो वीजा मुझे मिला है वो सिर्फ 10,400 समथिंग रुपीज में जो है वो मुझे मिला है। डॉक्यूमेंटों के सारे लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं, हर वीडियो में डॉक्यूमेंट बताए जाते हैं, हर कंट्री के बताए जाते हैं। तो ये वीजा जो है मुझे मतलब रिफ्यूजल के बाद मिला है। डॉक्यूमेंट क्या है लिस्ट बता दी, रिफ्यूजल के बाद सर वीजा नहीं मिलता है, मिला है ये आप लोगों के सामने प्रूफ रहा। सर मैं 2 बार रिफ्यूज हूं तो क्या हुआ, सर मैं 4 बार रिफ्यूज हूं, कोई आग लगी है, किसी तरह के डरने की बात है, कुछ नहीं हुआ है, आप वीजा अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको एक रिफ्यूजल मिला है घबराइए मत, दूसरा मिला है घबराइए मत, बस आगे बढ़िए। मतलब मैं एक जगह से रिफ्यूज हुआ, मैंने दूसरी अपॉइंटमेंट लेकर रखी थी, डिपॉजिट की फाइल आफ्टर दैट, उसके बाद में मैंने तीसरी अपॉइंटमेंट लेकर रखी थी, अभी तीसरी फाइल नहीं जमा हुई थी, मैंने चौथी भी लेकर रखी थी क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ये बात याद रखना, हमें मौके पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसलिए मैंने रखी हुई थी मतलब ली हुई थी और पैसे पेड किए हुए थे। चेक रिपब्लिक का 1200 रुपया अपॉइंटमेंट का लगता है, मैंने पेड किया हुआ था जो कि मेरी 7 तारीख की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन अब मैंने उसको कैंसिल किया है। मेरा तो उद्देश्य सब घूमना है, विदेश घूमना है, आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना है, एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, करेंगे तो आपको हमारे नए नए अपडेट जो मिलते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। ये खजाना जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर भरा जा रहा है, उसको गेन कीजिए और आपने घबराना नहीं है। जिन लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है घबराना नहीं है, जिन लोगों के पास एयरपोर्ट नहीं है घबराना नहीं है। मैंने किसी तरह से वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लगाई थी, फिर बताने लगा हूं, ना एयरपोर्ट लगाई थी ना गोल्ड वैल्यूएशन लगाई थी, मैंने किसी तरह से कोई भी आरसी की कॉपी नहीं लगाई थी, किसी तरह से कोई म्यूचुअल फंड नहीं लगाया था, किसी तरह से कोई आरडी नहीं लगाई थी, एफडी लगाई थी मैंने, एफडी है मेरे पास एक दो वो लगाई थी, बस इतने डॉक्यूमेंट मैंने लगाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगाया है। सो फाइनली आप लोगों के सामने फिर मैं एक बार पेश कर रहा हूं ये वीजा, ये देखिए ये वीजा जो है आप लोगों के सामने फिर बता रहा हूं मैं, मेरी ये वैसे शक्ल ये देख लीजिए, ठीक है शक्ल मेरी है, मेरा ये पासपोर्ट है, क्योंकि इसका मैं आपको फ्रंट भी दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए ये फ्रंट है इसका, तो मेरा ही पासपोर्ट है। तो ये नॉलेजेबल वीडियो जो थी वो आप लोगों के लिए थी, एजुकेशन पर्पस के लिए थी। ये चैनल किसी भी तरह से कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का काम नहीं करता है, मेरा कोई भी ऑफिस कहीं नहीं है। मैं लुधियाना हूं तो किसी के पास बैठ के मिल लेता हूं, मैं जलंधर जाऊं तो किसी के पास बैठ के मिल लेता हूं, मैं अगर हिमाचल में हूं तो घर पे बुला के किसी से मिल लेता हूं, लेकिन मेरा कोई भी ऑफिस नहीं है और ना ही मेरा किसी भी इमिग्रेशन एजेंट या किसी कंसल्टेंसी से कोई संपर्क है। अगर कोई मेरा नाम लेता है तो बी केयरफुली, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं विदाउट मेरी मर्जी से। अगर आप कहीं पे जाते हो किसी के पास है, कोई बुलाता है। सो ये जस्ट आपके एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।